देखिए बड़ी खबर। सबसे पहले यूपी में धर्मांतरण के खेल के पीछे आईएसआई का हाथ है, जाहिर है इसके लिए फंडिंग भी हुई है। यूपी एटीएस इसकी जांच ईडी से करवा सकती है। यूपी में चल रहे धर्मांतरण के बड़े खेल और पूरे प्लान के पीछे आईएसआई का हाथ है। यही वजह है कि अब एटीएस धन परिवर्तन में इस्तेमाल किए जाने वाले पैसों की जांच के लिए ईडी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी में पिछले दो साल में 1000 से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया गया। एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर को गिरफ्तार किया है। धार्मिक संगठन आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पे तथा उनके फंडिंग पे लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक गरीब महिलाओं को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया। ज्यादातर महिलाओं के धर्मांतरण के लिए शादी कराई गई। गरीब दिव्यांग लोगों को बनाया जाता था निशाना। नोएडा के मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चों का किया गया था धर्मांतरण। नोएडा पुलिस यहाँ तफ्तीश कर रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस ये जो नोएडा डीप सोसाइटी है इसमें कितने मूक बधिर बच्चों की स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे फिलहाल यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब लेने की फिलहाल नोएडा पुलिस यहाँ कोशिश कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।